प्रीति परोहा, 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, के अंतर्गत चैप्टर 7 का अध्ययन करेंगे। और चैप्टर 7 का नाम है द नेकलेस, यानी हार, गले का हार, क्योंकि जो हार होता है वो महिलाओं को, लेडीज को अत्यंत प्रिय होता है, और वो उसको अच्छे अच्छे डिजाइन और अच्छे तरह से पहनना चाहती हैं। और हम इसके आथर के बारे में देखें, इसके आथर हैं गाय डी मैपोजेंट। इनका जो बर्थ हुआ था इन 1850 से, इनका पूरा जीवन काल रहा 1850 टू 1893 तक रहे। और ये एक फ्रेंच ऑथर है, यानी फ्रांस के राइटर हैं, फेमस हैं। उन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज, जो छोटी छोटी कहानियां लिखी, उनके कारण ये बहुत फेमस हो गए। प्रोलिफिक राइटर हु रोट ओवर 300 शॉर्ट स्टोरीज, और इन्होंने हर विषय पर लगभग 300 से ज्यादा कहानियां, छोटी कहानियां लिखी हैं। डाइड इन सैनिटोरियम। अब इसके बाद इन्होंने जो कहानी लिखी है उसका नाम है द नेकलेस, और इसके बारे में बताया है कि एक मटिल्डा नाम की एक महिला रहती है, मटिल्डा नाम की जो महिला रहती है वो कैसी रहती है, एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में को बिलोंग करती है, और उसकी इच्छा जो रहती है बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक लाइफ जीने की रहती है। वो बहुत ऊंचे स्तर का जीवन यापन करना चाहती है, और मन में उसके बहुत अफसोस होता रहता है। उसको एक पार्टी में जाने के लिए एक हार, सुंदर से नेकलेस की जरूरत पड़ती है, जिसको वो अपनी एक सहेली से बोरो करती है, और उस पार्टी के दौरान ही उसका जो नेकलेस है वो क्या हो जाता है, गुम जाता है। तो फिर मटिल्डा उसको कैसे रिएक्ट करती है, कैसे अपनी सहेली को देती है, और इस बीच में उसकी मनोदशा का वर्णन किया है लेखक ने कि अगर हम जिस स्टैंडर्ड को बिलोंग करते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, हमको उसी परिस्थिति में रहने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, और जो है जैसा है उसमें ही खुश और संतुष्ट होना होगा, और आगे बढ़ने के लिए प्रयास जरूर करना होगा, लेकिन उसका अफसोस नहीं करना होगा। तो चलो बच्चों, अपन इसको समझते हैं, इस लेसन को। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple but she was unhappy. अब क्या बताते हैं कि ये जो लड़की रहती है मटिल्डा नाम की, ये बहुत सुंदर रहती है और बहुत ही खूबसूरत लेडीज रहती है, लेकिन ये कहाँ पैदा होती है, एक या तो हम इसकी भाग्य की स्थिति कहें या इसका दुर्भाग्य कहें कि ये एक फैमिली ऑफ क्लर्क्स, मतलब क्लर्क मतलब जो ऑफिशियल जॉब करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार में इतनी सुंदर और खूबसूरत लेडी पैदा होती है, जो कि उसके लिए एक दुर्भाग्य का कारण रहती है। दुर्भाग्य तो नहीं, वो ऐसा सोचती है अपने बारे में। शी हैड नो डाउरी, चूंकि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहती है, इसलिए उसको बहुत सा दहेज या बहुत सा जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। नो होप, कोई आशा भी नहीं रहती उसके पास में, और वो इतनी प्रसिद्ध भी नहीं रहती है कि जिससे कि वो किसी बहुत रिच या किसी डिस्टिंग्विश यानी किसी खास परिचित जो समाज में अत्यंत प्रसिद्ध हो, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर सके। इसके कारण क्या होता है, मध्यम वर्गीय परिवार में रहने के कारण उसकी शादी किसके साथ होती है, पैटी क्लर्क। पैटी क्लर्क यानी एक छोटा सा लिपिक जिसको कहते हैं, उस व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो जाती है, जो कहाँ काम करता है, ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का जो बोर्ड रहता है वहां पर, शिक्षा मंडल में वो कार्य करता है, उसका जो हस्बैंड रहता है। शी वॉज सिंपल, वो बहुत साधारण रहती है, बट शी वॉज अनहैप्पी, मतलब लाइफ तो उसको बहुत अच्छी सेटल मिलती है, लेकिन वो बहुत सिंपल लाइफ रहने के कारण कैसी रहती है, अनहैप्पी, मतलब खुश नहीं रहती, वो उदास सी रहती है। क्यों उदास रहती है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स रहते हैं कि वो बहुत हाई फाई लाइफ स्टाइल गुजारना चाहती है, बहुत ही ऊंचे प्रकार का रहन सहन चाहती है, लेकिन उसको वो चीज यहाँ नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट देखें बच्चों, शी सफर्ड इनसेसेंटली फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट,
द शेबी बॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। अब क्या होता है, वो लगातार, मतलब जब किसी के मन में कोई उदासी या डिप्रेशन आ जाता है तो वो लगातार उसी चीज में सोचता रहता है अपने बारे में कि मुझे कहाँ, मुझे किसी बहुत अच्छे डेलिकेसीज फैमिली में, कोई लग्जीरियस लोगों के बीच में रहना चाहिए था। और वो हर अच्छी चीजों के बारे में सोचती है और बहुत सारी लग्जीरियस चीजों के, बहुत रिचनेस वाली चीजों के बारे में हमेशा सोचती रहती है। और इसके कारण सोचने से क्या होता है, शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वो जिस अपार्टमेंट में रहती है वहां पर क्या होता है, शेवी वॉल्स, मतलब कि कैसी वाले, जो गंदी सी दीवारों वाला अपार्टमेंट रहता है, वॉर्न चेयर्स, वहां का जो उसके घर का जो फर्नीचर रहता है वो कैसा रहता है, बहुत ज्यादा यूज किया हुआ, मतलब कई सालों से लगातार उन कुर्सियों को यूज करते जा रहे हैं और वो बिल्कुल घिस पिट गई हैं, ऐसे माहौल में उसको रहना पड़ता है। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। और उसकी जो ख्वाहिश रहती है बहुत ऊंचे रहन सहन की, तो ये सारी चीजें, मतलब एक ऐसे गंदी सी दीवारों वाला अपार्टमेंट जहां पर ढंग का फर्नीचर नहीं है, जहां पर ढंग का कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, उनके बीच में रह करके क्या हो जाती है, वो हर चीज उसको परेशान करती रहती है और वो हमेशा गुस्से में रहने लगती है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब क्या होता कि चूंकि अब शादी तो हो गई, उसकी एक पेटी क्लर्क से उसको उसके साथ जीवन यापन करना है, तो जब डिनर का टाइम रहता है और वो अपने हस्बैंड के अपोजिट, मतलब हस्बैंड के ठीक सामने डाइनिंग टेबल पर बैठती है और खाना खाती रहती है, तो जैसे ही वो टॉरिन, टॉरिन का अर्थ यहाँ पर है खाना जो बनाने की, जो परोसने का जो रहते हैं ना प्लेट्स वगैरह जो रहती है, उससे सर्व किया जाता है खाना, उनको टॉरिन कहा। तो बोलते हैं कि जैसे ही वो उठाती है और हर चीज में खुशबू फैलती है उसके बनाए खाने की, तो उसका हस्बैंड क्या बोलता, ओ द गुड पॉट पाई, अरे ये पॉट पाई तो बहुत अच्छी डिश है, मैं नहीं समझता कि इससे भी अच्छा कोई स्वाद कहीं और होता होगा। ऐसे करके उसका जो हस्बैंड रहता है, उसका जो पति रहता है, वो उसको उत्साह बढ़ाता रहता है कि ये इतनी मुरझाई हुई ना रहे, ये बहुत खुश रहे, तो उसके हर बनाए खाने की क्या करता, तारीफ करता, बोलता अरे वाह, इससे अच्छा खाना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मटिल्डा रहती है वो क्या सोचती है, जब वो डिनर टाइम पे होती है तो वो सोचती है अच्छी अच्छी डिनर्स के बारे, एक बहुत एलिगेंट टाइप का, एरिस्टोक्रेटिक टाइप का डिनर जिसमें सिल्वर की प्लेटों में खाना परोसा जाए, जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे, बिल्कुल एकदम कहना चाहिए बहुत स्वादिष्ट प्रकार के व्यंजन परोसे जाएं और बहुत सारी डिशेज हों, जिसमें बहुत सारी डिशेज, जिसमें ये ना सोचना पड़े कि आज हमको सिर्फ रोटी सब्जी सलाद से ही काम चलाना है, मतलब कई प्रकार के डिशेज उसके डिनर डाइनिंग टेबल पे हों और सिल्वर की कटोरियों में खाना परोसा जाए, बहुत ही एकदम एरिस्टोक्रेटिक और लग्जीरियस टाइप सा डिनर वो चाहती है। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक यानी कपड़े भी नहीं रहते, ना ही बहुत महंगी ज्वेलरी रहती है, कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन वो क्या है, इन सारी चीजों को बहुत उत्सुकता से चाहती, वो चाहती है कि उसके पास ये सारी चीजें हों, उसके पास बहुत ही महंगे महंगे ड्रेसेस हों, उसके पास बहुत ही उच्च कीमत वाली अच्छी ज्वेलरीज हों, उसका घर बहुत शाइनी हो, बहुत अच्छे तरह से वेल अरेंज्ड हो, और सारे फर्नीचर्स, डाइनिंग टेबल, डिनर सेट और डिशेज वगैरह सब चीज बिल्कुल ऐसी हो जो उसकी कल्पना से भी बाहर हो। लेकिन उसको ये सब चीज यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल तरीके से उसको अपनी फैमिली चलाना पड़ती है, इसलिए वो ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाती। शी हैड अ रिच फ्रेंड, आई स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, शी वेप्ट फॉर ओल्ड डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। अब उसके अच्छे अमीर दोस्त भी रहते थे, जब वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा करती थी, कॉन्वेंट एजुकेशन में, तभी उसके बहुत अच्छे अमीर दोस्त भी बने, स्कूल के साथी लोग भी बने, लेकिन वो उनसे ज्यादा मिलने नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी, क्योंकि जब भी वो उनसे मिलती थी और वहां से लौटती थी तो वो पूरा दिन रोया करती थी, किस चीज के कारण, इस दुख के कारण, इस निराशा के कारण कि देखो मेरे दोस्तों के पास तो हर महंगी महंगी चीजें हैं, वो बहुत अच्छे जीवन, उच्च स्तर का जीवन जी रहे, और मैं कहां एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करके बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से जीवन जीने पर मजबूर हूँ, मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है।
इन सब चीजों से बचने के लिए वो अपने दोस्तों के पास भी उसने जाना बंद कर दिया था। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बेरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू। एक शाम को जब उसका हस्बैंड ऑफिस से लौटता है तो बड़ा खुश, इलेटेड यानी हैप्पी, बहुत खुश होकर लौटता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए रहता है और कहता है, देखो यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है, मैं कुछ लेके आया हूँ। उसका हस्बैंड बहुत खुश रहता है उस एनवेलप को लेकर के आके। She quickly drew up a printed card on which were inscribed these words: The Minister of Public Instruction and Madam George Rampone ask the honor of Mr. and Mrs. LaSalle Company Monday evening, January 18 at the Minister's residence. अब वहाँ पर वो बड़ी उत्सुकता से उस envelope को खोलती है, उसको लगता कि मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा इसमें होगा, तो देखती है कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहता है। उसमें क्या लिखा रहता है कि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, खोलती है देखती है कि इसमें कुछ लिखा रहता है, तो उसमें लिखा रहता है द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और मैडम जॉर्ज रैम्पोने ने उनको बुलाया था। किसको इनवाइट किया था? मिस्टर एंड मिसेस लॉसेल को। कौन थे? मटिल्डा और उसके हस्बैंड को। मंडे इवनिंग जनवरी 18 को कहे के लिए, एक पार्टी के लिए। जब वो ये सब पढ़ती है तो उसके बाद क्या होता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। अब उसके हस्बैंड को बड़ी खुशी होती है कि जैसे ही मटिल्डा इस कार्ड को पढ़ेगी, इन्विटेशन कार्ड को पार्टी के लिए, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। तो जैसे ही वो सोचता है तो इंस्टेड, इसके बजाय खुश होने के बाद जब मैटिल्डा क्या करती है, बहुत ही घृणा के साथ उस कार्ड को टेबल पर फेंक देती है और बोलती है, तुम क्या चाहते हो, मैं इस कार्ड का क्या करूं? तो बट माय डेरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। अब यहाँ पर उसका पति बोलता है, वो बोलती कि मैं क्या करूं इस कार्ड का जो तुम लेके आए हो, इस कार्ड का मैं क्या कर लूं? वो बोलता है, नहीं मेरी प्रिय, मैं तो सोचा था कि ये थॉट, ये जो मैं कार्ड लेके आया हूं, इसको देख के तुम बहुत खुश हो जाओगी। तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो, इसलिए इस ओकेजन में, इस अवसर पर, ये एक बहुत अच्छा अवसर है, यहाँ पर हर कोई जाना चाहता है, यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय भी जाना चाह रहे थे, लेकिन जिनको सेलेक्ट किया सिर्फ उन्हीं लोगों को ये कार्ड मिला है, तो तुमको खुश होना चाहिए। तुम देखती कि वहां पर पूरा ऑफिशियल दुनिया, जितना ऑफिस की जो दुनिया के लोग हैं अच्छे अच्छे जगह से, वो सब वहां आके इकट्ठे हो रहे हैं, तो तुमको गुस्सा होने के बजाय यहाँ पर खुश होना चाहिए। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? वो अपने पति की तरफ क्या होता, बहुत ही तीखी नजरों से देखती है और क्या कहती है, तुम क्या चाहते हो कि मैं कुछ भी पहन के वहां चली जाऊंगी क्या? मतलब मेरे पास अच्छी ड्रेसेस नहीं है तो मैं उस पार्टी में क्या पहन के जाऊंगी, इसलिए मैं गुस्सा हो रही हूं। नेक्स्ट देखें बच्चों। He had not thought of that. He stammered, Why the dress you wear when we go to the theater? It seems very pretty to me. He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, What is the matter? What is the matter? अब वो सोचता है कि इसके बारे में तो उसके हस्बैंड ने सोचा ही नहीं था। वो एकदम ठगा सा खड़ा रह जाता है और उससे बोलता है, क्यों? वो जो ड्रेस तुम थिएटर में मेरे साथ पहन के गई थी, वो भी तो तुम्हारे ऊपर कितनी अच्छी लगती है। तुम चाहो तो तुम उसको पहन सकती हो, वो बहुत सुंदर लगती है। अब वो थोड़ी देर चुप हो जाता है, खड़ा रह जाता है और परेशान सा हो जाता है। देखता है कि उसकी जो पत्नी है वो क्या करने लगती है, रोने लगती है। तो वो ठगा से खड़ा रह जाता है और अपना मतलब सोचता है कि अरे क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने रोना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो मटिल्डा है वो रोने लगती है बहुत फूट फूट के। तो बोलता है, क्या बात हो गई कि तुम रोना चालू कर दी? बाय अ वायलेंट एफर्ट ही शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ कॉम वॉइस, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कांट गो टू दिस अफेयर। Give your card to some colleagues whose wife is better fitted out
देन आई। अब यहाँ पर वो क्या बोलती है, वायलेंट एफर्ट है ना, बहुत ताकत के साथ वो रोती रहती है, रोते रोते किसी रोते हुए व्यक्ति को रोकने में बहुत समय लगता है, तो बहुत क्षमता के साथ क्या करती है, वो अपने आंसुओं को रोकती है और धीरे से आवाज में बोलती है और अपने जो उसके गालों पर जो आंसू पड़ के जो गाल गीले हो गए रहते हैं उसको पोंछते हुए बोलती है, नहीं कुछ नहीं, मेरे पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं है जिससे मैं वहां पर किसी अच्छे फंक्शन में जा सकूं, यानी मेरे पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है, इसलिए तुम क्या करो कि जो कार्ड तुमको मिला है तुम वो कार्ड अपने किसी सहयोगी या किसी दोस्त को दे दो, और जिसकी पत्नी के पास ज्यादा अच्छी ड्रेस हो, मेरे से ज्यादा अच्छी ड्रेस हो, ऐसे कलीग्स को तुम ये कार्ड दे दो क्योंकि मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है और मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी। शी वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। अब यहाँ पर उसका जो हस्बैंड रहता है फिर भी वो इतना समझदार रहता है कि उसको प्यार से बोलता है, क्या बोलता है कि दुखी भी हो जाता है और आंसर देता है कि नहीं देखो मटिल्डा, तुम ये भी सोच लो ना कि कुछ तुम्हारे ऊपर उस पार्टी वाले दिन कौन सी कॉस्ट्यूम या कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी, हम उसको जाके खरीद भी सकते हैं, तो तुम देख लो कि उस पार्टी में पहनने के लिए सूटेबल जो कॉस्ट्यूम है उसको बनाने में कितना खर्च लगेगा, उसमें कितनी राशि खर्च करना पड़ेगी कि तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस आ जाए, लेकिन ऐसी ड्रेस भी ले लेना कि जिसको तुम किसी दूसरे ओकेजन किसी दूसरे फंक्शन में भी पहन सको। उसका कहने का मतलब ये था कि यदि ज्यादा पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम वो ड्रेस ऐसी आए कि सिर्फ पार्टी बस के लिए नहीं बाकी दूसरे फंक्शन में दूसरे आयोजनों में भी हम उसको पहन सके, समथिंग वेरी सिंपल, जो थोड़ी सिंपल भी हो। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. अब वो सोचती है, थोड़ी देर में तो बड़ी खुश भी हो जाती है कि चलो मुझे एक अच्छी सी ड्रेस खरीदना है, लेकिन वो सोचती है कि नहीं मुझे ऐसा बजट बनाना चाहिए, इस हिसाब से बताना चाहिए जिससे कि मेरा पति उस ड्रेस को लेने के लिए मना भी ना कर सके, यदि मैं बहुत ही ज्यादा खर्च बताऊंगी तो क्या होगा, मेरा हस्बैंड उसको खरीदने के लिए मना कर देगा। इकोनॉमी मतलब बजट के हिसाब से, मतलब छोटी सी आमदनी में वो पूरा घर चला रहा है, ऐसे क्लर्क के लिए मैं ऐसी ड्रेस का कॉस्ट बताऊं जिसको वो ले सके। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांस आउट टू कवर इट। वो कहती मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ कि कितना खर्च आएगा, लेकिन फिर भी 400 फ्रांस, फ्रांस यानी वहां की मुद्रा रहती है, फ्रांस की जो राशि रहती है मुद्रा, जैसे अपने रुपया रहता है यूनिट, ऐसे वहां की मुद्रा रहती है फ्रांस, तो कहती नहीं 400 फ्रांस में लगभग वो ड्रेस आ जाएगी जिसको हम पार्टी में पहन के जा सकते हैं। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. अब यहाँ पर जैसे ही उसके हस्बैंड को पता चलता है 400 francs, तो उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए हल्का सा पीला पड़ जाता है, मतलब वो थोड़ा सहम सा जाता है क्योंकि इतना पैसा उसने जोड़ के तो रखा है, काय के लिए जोड़ा है, क्योंकि उसका भी कुछ सपना था कि वो क्या खरीदना चाहता था, गन खरीदना चाहता था, और गन किस लिए खरीदना चाहता था, हंटिंग पार्टी यानी शिकार करने वाली पार्टी अपने दोस्तों के साथ गर्मी के दिनों में जाना चाहता था, और वहां पर वो जाकर के शूट लाख लाख यानी एक विशेष प्रकार की बर्ड्स होती है, उसको लाख्स बर्ड्स बोलते हैं, तो लाख पक्षी को मारने के लिए वो एक गन खरीदना चाहता था, लेकिन फिर भी वो सोचता चलो ठीक है मैं गन नहीं खरीदूंगा, चलो ठीक है, वो कहता अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुमको 400 फ्रेंड्स दे दूंगा, लेकिन तुम क्या करना, कोशिश करना कि तुम बहुत ही अच्छी ड्रेस खरीद लो। मतलब उसका हस्बैंड यहाँ पर अपने उस ड्रीम से समझौता कर लेता है कि वो 400 फ्रेंड्स खर्च करके एक गन लेगा और हंटिंग पार्टी को एंजॉय करेगा, उसके बजाय वो अपनी पत्नी को बोल देता चलो चलो ठीक है तुम इन 400 फ्रेंड्स में से अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना। तो बच्चों यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है, क्या उसकी अच्छी ड्रेस बन जाती है, क्या वो पार्टी अटेंड करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में